2.5 कट हो जाएंगे। स्कोरिंग कौन करेगा? वॉलंटियर आ जाओ, आप आ जाओ नजरी। ऐसे लाइन काट दो सबकी, ठीक है कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारा मॉड्यूल है ये है लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फेल होने पर इंसान को करना चाहिए ए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए बी, प्रयास करना छोड़ देना चाहिए सी, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए डी, उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फेल होने पर इंसान को करना चाहिए ए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए बी, प्रयास करना छोड़ देना चाहिए सी, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए डी, उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। एक उधर आप जो चेक करेगा पहले वो रूम टॉप चलो, चेक करो क्या क्या लिखा है, लिखो जल्दी अपनी अपनी कॉपी पे, जल्दी जल्दी चेक कराओ रोहित को। लिख लिया सबने? लिखो इनका सबका सी है, लिखो सबका सी और राइट आंसर भी सी ही है। अब क्वेश्चन नंबर दो है, फेलियर्स भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे ए, हमारी सेहत में सुधार होता है बी, हमें लोगों की सहानुभूति मिलती है सी, हमारे धन की बचत होती है डी, हमें ज्ञान हासिल होता है। लिखो जल्दी, क्या करो क्या पता से रोहित, ऑप्शन ए हमारी सेहत में सुधार होता है बी, हमें लोगों की सहानुभूति मिलती है सी, हमारे धन की बचत होती है डी, हमें ज्ञान हासिल होता है। फेलियर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे सबने लिख लिया है, इनका रह गया आप बोलो क्या है, सबका डी है, सबका डी है, लिखो सबका डी और राइट आंसर भी डी ही है। अब क्वेश्चन नंबर तीन है, हमारे फेलियर की संभावना कम होती है अगर, ऑप्शन है ए, हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ें बी, हम समय पर खाना खाएं सी, हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अच्छी खासी रिसर्च कर लें डी, हम अपना काम दूसरों से करवाएं। लिखो जल्दी, हमारे फेलियर की संभावना कम होती है अगर ए, हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, हम समय पर खाना खाएं बी है ए, सी, हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अच्छी खासी रिसर्च कर लें डी, हम अपना काम दूसरों से करवाएं। सबका सी है, ठीक है राइट आंसर भी सी है। क्वेश्चन नंबर चार है, इंसान फेल तब होता है जब ए, ना उम्मीद हो जाता है, वह जब ना उम्मीद हो जाता है बी, सारी दौलत समाप्त कर देता है सी, परीक्षा में कम मार्क्स लाता है डी, इंटरव्यू से बाहर हो जाता है। लिखो जल्दी, इसके बाद मैं ठीक नहीं करूंगा, एक ही बात बोलना है, चेक करना, मैं लिखा नहीं, ये क्वेश्चन बता देंगे। हो गया सबने लिख लिया, सबका ये है, तो ये लिखो सबका ए और राइट आंसर सी है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों आपका गलत हुआ, ये था हमारे फेलियर की संभावना कम होती है अगर, फेल होने की संभावना कम कब होती है, सही आंसर है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सर्च की हो। ये चौथा क्वेश्चन था, ये गलत हो गया, ए ही सही है, मुझे गलती लग गई तो ये ठीक है, ना उम्मीद हो जाता है। अब पांचवा है, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने के प्रयास में ए, 10 बार फेल हुए बी, 20 बार फेल हुए सी, 30 बार फेल हुए डी, 40 से ज्यादा बार फेल हुए। लिखो,
लिखो जल्दी। हो गया सबका? ठीक है, लिखो सबका डी। और राइट आंसर भी डी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? रिपीट नहीं होगा, ध्यान से सुनना। गलत ए, फेलियर इज इन अवर थॉट्स ओनली। बी, फेलियर अगर इन लाइफ ऑफ ओनली फ्यू पीपल। सी, इट इज पॉसिबल टू हैंडल फेलियर। देखो तीन ही स्टेटमेंट है, एक इनमें से गलत है। क्वेश्चन नंबर है 6। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, तो ये क्या था स्टेटमेंट गलत, कौन सी थी? कईयों ने बी लिखा है, कईयों ने सी। बी देखो ये थी, फेलियर अकर इन लाइफ ऑफ ओनली फ्यू पीपल, ये गलत है। ठीक है, और जिन्होंने सी बोला है, सी क्या स्टेटमेंट थी? इट इज पॉसिबल टू हैंडल फेलियर, ये गलत नहीं है, ये सही था। ठीक है, फेलियर हैंडल हो सकता है, लेकिन ये गलत था, फेलियर अकर इन लाइफ ऑफ ओनली फ्यू पीपल। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ध्यान से सुनना, रिपीट नहीं होगा। सही पहचाननी है, तीन स्टेटमेंट्स हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। पहली है वी कैन नॉट लर्न फ्रॉम फेलियर, ए है ये। फिर बी है डोंट लूज होप ऑन फेलियर। फिर सी है डोंट फोकस ऑन इंप्रूवमेंट ऑन फेलियर। तो जल्दी लिखो ए बी सी में से क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन है असफलता हमारे जीवन में काम करती है, ए एक मित्र का, बी एक गुरु का, सी एक वकील का, डी एक चिकित्सक का। आपने लिखा है, बोलो। इको का बी, विजडम का सॉरी पीस, पीस का सी, विजडम का बी और बेलवी का बी। तो राइट आंसर है इसका बी। तो जहां भी अलग आंसर आए हैं, देखो असफलता हमारे जीवन में काम करती है किसका? बी था एक गुरु का,
सफलता हमें सिखाती है, सिखाता कौन है, गुरु, इसलिए गुरु का काम करती है सफलता। और सी में क्या था, एक वकील का, वकील का कहां काम करेगी सफलता, ठीक है, तो इसलिए ये गलत, ठीक है। अभी इनके स्कोर देख लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात सही है, 1284 और 3.5 और 87.5 माइनस 2.5, ठीक है, एक गलत हुआ ना, कितना बना 85, इनके कितने हैं, दो गलत है, तो 6 ठीक, 12×6=72 और 3×75, 75 में से माइनस होंगे 5, दो गलत है, 2×5 तो 70, फिर इनके इनके सारे सही हैं, तो इनके हो गए 100, इनके इनके दो गलत हैं, इनके भी दो गलत हैं, तो इनके भी होंगे 70, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा विजडम हाउस, सेकंड हमारा इको हाउस, थर्ड हमारा ये दोनों पीस और बैम्बी, तो पिछली बार भी शायद विजडम भी फर्स्ट था, ठीक है, तो क्लैपिंग इनके लिए। और नंबर 3 पीस और बैलबी के लिए।